जी नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए एक बार फिर से हम आज जो हैं श्री प्रकाश राणा जी के साथ बैठे, जो कि यहाँ के जोगिंद्रनगर के स्थानीय विधायक हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर जो है आज त्रिदेव एवं पंच परमेश्वर का सम्मेलन था और यहाँ पर मुख्य बतौर मुख्य अतिथि जो थे श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी थे, जो कि पूर्व में मंत्री रहे हैं भाजपा से। प्रकाश राणा जी, आपका स्वागत है खबर खास टीवी में। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपके चैनल का, खास खबर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी धन्यवाद सर। ये बताइए, जैसे कि आप जो हैं अब ऐसा लगता है कि फील्ड में पूरी तरह से एक्टिव हैं, क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं लोकसभा के, और इस बारे में सबसे पहले हमारा यही सवाल रहेगा कि आने वाले चुनाव में आपकी रूपरेखा। सबसे पहले तो हमें सबसे बड़ी खुशी इस चीज़ की है कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, ये रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी और तीसरी बार जो है इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जिस तरह से उनकी लोकप्रियता आज भारतवर्ष में नहीं पूरी दुनिया में, जो दुनिया के जो दूसरे देश हैं वो भी उनके मान सम्मान इज्जत करते हैं, उन्होंने एक अलग पहचान अपनी इस भारतवर्ष में और इस दुनिया में बनाई है। मैं तो पूरी दुनिया की बात करूँगा। तो ये चुनाव जो है 400 पार होगी। मैं धन्यवाद करता हूँ, हमारे आज जो त्रिदेव का यहाँ पर सम्मेलन हुआ, जो प्रोग्राम हुआ, उसमें आप भी यहाँ पर थे, आपने भी देखा। और सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्रवासियों का, पूरे त्रिदेव जो है पूरे संगठन के कार्य करने के जितने भी सदस्य हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जोगिंद्रनगर में सब दिल से जुड़े हैं और सब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पे भी जुड़े हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम जोगिंद्रनगर क्षेत्र से इन लोगों पर जो कार्य करता है, हमारे अधिक जो हमारे पूरे जो संगठन के लोग हैं, पूरा विश्वास है सारे जो है मिलजुल कर जो है मोदी जी का चुनाव है। टिकट भले किसी को भी मिले, लेकिन हम आदरणीय मोदी जी के नाम से जो है भारी लीड यहाँ से देंगे। रणनीति क्या होगी आपकी, मतलब कि बूथ पर बूथ होगी या कैसे आप रणनीति तैयार कर रहे हैं इस चीज़ की? देखो, चुनाव कभी भी बूथ स्तर से ही लड़ा जाता है। हम नहीं चाहते कि हम एक भी बूथ हारें, इसीलिए हम हर बूथ में जाएंगे और हर वार्ड में जाने की कोशिश करेंगे जहाँ तक हमारे पास जितना समय मिलता है, और सब इसके लिए तैयार है। और हम जब तक चुनाव यहाँ पर नहीं होते जूनर में, हम पीछे नहीं हटेंगे, 24 घंटे हम लोग अब काम करेंगे फील्ड में। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जैसे पीछे कुछ दिन पहले अटकलें थी और कुछ काफ़ी बड़ा जो है फेरबदल हुआ विधानसभा के दौरान जो है, और वहाँ पर कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने जो है एंटी वोटिंग किया राज्यसभा के सदस्य के लिए जो है, और वहाँ पर जो है आप उसके बारे में कुछ बताएंगे कि ये जो है जैसे बिहार में खेला हुआ या अभी पीछे जैसे अभी 3-4 दिन पहले हरियाणा में भी हुआ और हिमाचल में भी जैसे ये था, तो हिमाचल में आप किस तरह से जो एक सरकार बनाने की कोशिश की जा रही थी भाजपा के द्वारा जो है, पर अभी तक वो सरकार नहीं बन पाई है, आप इस बारे में क्या कहते हैं जो है कि जैसे जयराम ठाकुर जी ने कहा था कि भाई ये सरकार अब चली जाएगी और भाजपा जो है सरकार बनाएगी, तो इस बारे में आप थोड़ा बताएंगे कि क्या क्या वहाँ पर घटनाचक्र हुआ विधानसभा में? देखो, चली नहीं गई, ये सबको पता है चली गई थी। जहाँ पर इनके 40 विधायक हैं, 3 इंडिपेंडेंट, 43 होते हैं, और हम लोग 25 का आंकड़ा था। हमारे जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो 25 है। तो अगर जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई, क्योंकि उनके विधायक वो अपनी पार्टी से ही नाराज हैं। अब जैसे माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह का बयान दे रहे हैं कांग्रेस के कि भारतीय जनता पार्टी ने ये किया वो किया, थोड़ा आप अगर आप भी पत्रकार हैं, इसको बड़ी एक सिंपल सी, मैं कहता हूँ कि इसको ज़्यादा सोचने की बात भी नहीं, जब उनसे अपना कुटुंब जो अपना घर ही नहीं संभाला जा रहा है तो प्रदेश कहाँ से संभलेगा? भारतीय जनता पार्टी, हम भी तो पिछली बार विधायक रहे, भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक थे, हुआ कभी ऐसा? उनके लोग खुद नाराज हैं इनकी राजनीति से। और ऐसा नहीं है कांग्रेस भाई हिमाचल में, हिमाचल में तो गलती से आ गई कांग्रेस। और आपके पास स्मार्टफोन है, मैं अगर मैं झूठ बोलता हूँ, गूगल में जाओ, मैं अभी खोल के बताता हूँ, हिमाचल के आज ऐसे हालात हो गए हैं, बेरोजगारी देखो भाई सबसे ज़्यादा कौन से प्रदेश में है, आप लिखो इसमें, मैं अभी आपको बताऊँ निकाल के, हिमाचल प्रदेश पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 पे आ गया है बेरोजगारी। इस प्रदेश में जिसकी आबादी 75 लाख है,
ये हालात कर दिए कांग्रेस। 15 महीने में जो है कांग्रेस ने क्या कुछ किया, काफ़ी वायदे किए थे, काफ़ी कुछ इन्होंने बोला था कि करना है, जैसे आपने बोला, तो 15 महीने में एक एक करके जो काम है इन्होंने कर दिया है, जो वो फॉर्म भरे जा रहे हैं आजकल, हमने भी देखा है, तो वो एक काम हुआ और एक काम जो है OPS का हुआ। तो क्या पता 15 महीने के बाद, अभी काफ़ी टाइम है सरकार के लिए अगर देखा जाए तो ये धीरे धीरे इसमें कुछ करेंगे काम। वेल बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आप, जो बोल रहे हैं ना OPS हो गया, OPS हुआ नहीं है, ये सिर्फ बेकू बनाया है। ये जो NPCPS और OPS, इसको समझो पहले, ये जो है जो हमको हर साल जो हमारी जो हिमाचल सरकार को 1800 करोड़ जो केंद्र को भरना पड़ता था, क्योंकि वो जो क्या होता था, जैसे मैं मान लो एम्प्लॉई है, मेरी 1 लाख तनख्वाह है, 10,000 मेरा कटेगा, 14,000 जो है हिमाचल गवर्नमेंट डालेगी केंद्र को, ताकि उसका जो है लास्ट में जो उसको उसका बेनिफिट मिलना था। तो उन्होंने 14% बचाने के लिए जो 1800 करोड़ भरना था वो भरा नहीं। पेंशन कितनी जा रही है अभी, पेंशन का भार अभी थोड़ा नहीं पड़ा है, पेंशन में तो 300-400 करोड़ भी नहीं जा रहा है अभी पूरे साल में, कहाँ जा रहा है पेंशन में इतना पैसा। लेकिन ये जो कहते हैं ना आज, जो ये जो रोज शिलान्यास उद्घाटन, प्रशासन को ऐसे गंवा रहे हैं, ट्रांसफर नहीं तो ट्रांसफर, तो इनको सोचना चाहिए कि यार एक बार आप मुख्यमंत्री को लाते ना यहाँ पर, देखो क्या किस तरह की दुनिया है, खाने को जोर दिया सब ने पूरा, इस वक्त पूरे हालात खराब हैं। जोगिंदर तो ऐसा जीरो किया इन्होंने, भाई जनता इस चीज़ को समझती है, ऐसा नहीं है सब, हमारा PWD IPH का डिवीज़न कहाँ था, पद्धर में था, अगर चौंतड़ा में आया तो जाओ ना प्रिंट निकालो, एक्शन को बोलो प्रिंट दे दो, डिवीज़न हमारा सब डिवीज़न जो जोगिंदर वहाँ से निकाल लो, 476 करोड़ की पानी की स्कीमें लगी है, 476 करोड़। लेकिन जो आम समस्या जो है हमारे लोगों की, आम जनता की जो समस्या है, सबसे बड़ी कुछ एक मेजर समस्याएं हैं, जैसे कि जो कुनकतर पुल है सर, उसमें भी हमारे खबर खास टीवी ने कई बार आवाज़ उठाई है, लेकिन आज तक जो है वहां पर टस का मस कोई काम नहीं हुआ है। इवन जहां तक जो वहां पर झूला खींचने वाले थे वो भी वहां से गायब हैं, पर इस मामले को आप कैसे देखेंगे, क्या ये भाजपा सरकार ही वहाँ पर पुल बनवाएगी या कांग्रेस सरकार बना पाएगी? बहुत बढ़िया, मैंने 2 बार विधानसभा में क्वेश्चन उठाया है, आप देखना उसको, पर मैं आपको, मुख्यमंत्री ने ये टाइम एक्सेप्ट किया है कि ये पुल को हम बना देंगे, बल्कि अनिल शर्मा भी बहुत अच्छे हैं बेचारे, उन्होंने भी, क्योंकि उनकी कंस्टिट्यूंसी पड़ती है, तो मैं और वो दोनों थे तो हुई है बात। अब क्या होता है कभी कभी हमारी अपनी सरकार नहीं है, हम तो हर तरह के चाह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री कर दे। ये जो है काफ़ी एक बड़ी समस्या है लोगों की, जो है काफ़ी वहाँ से संपर्क एकदम से कट चुका है, और काफ़ी जो है यहाँ से अगर लोग जाते हैं तो उनको 100-150 किलोमीटर का एक चक्कर जो कोटली के लोग हैं उनको घूम के जाना पड़ता है। चलिए, एक तो ये समस्या है, और एक कुछ दिन पहले जो है यहाँ पर कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया था गुम्मा में, कि ऊपर के जो लोग हैं ये हाईवे का जो अभी तक काम जो है हमारा बाईपास का काम नीचे से जो निकलना है, एक ग्राफ आया था बीच में, तो उसका सर कहां तक मतलब आप बोलेंगे कि ये भी क्या भाजपा के कार्यकाल में होगा या अभी स्टार्ट हो जाएगा सर? इसमें ऐसा होता है कि इसका सर्वे जो रिपोर्ट मैंने भी देखी थी, जो सर्वे होता है, कुछ ये जो ऊपर का एरिया था जो मैंने, कुछ डेंजरस जोन में, स्लाइडिंग जोन में कुछ ऊपर का एरिया, बल्कि ऊपर से तो खर्चा ही बहुत कम आ रहा है, नीचे से डबल है ट्रिपल है, लेकिन इसका कुछ ऐसा था कि देखो ना जी, ये ना मेरे बस की बात है ना आपके बस की बात है, ये तो झूठ है कि मैं इसमें इंटरफेयर करूं। ये जो एक इंटरनेशनल सर्वे होता है, नेशनल सर्वे होता है, इंटरनेशनल होता है, बड़े बड़े जो लोग इसकी जानकारी है, जो इसको समझते हैं, उनका सर्वे था, तो मैं तो ऐसा सुना था, मैं भी था एक बार मीटिंग में, कि ये जो है, ये जो ऊपर की बेल्ट है अब वो स्लाइडिंग जोन में है, नहीं तो आप बोलो भाई नीचे तो डबल पैसा ट्रिपल लग रहा है। कुछ बातें ऐसी होती है जब हमको समझ नहीं, और हमें भी जनता को इस तरह का नहीं भड़काना चाहिए, साइंस बहुत आगे है, वो इसमें कोई राजनीति नहीं है। अब सरकार को जो सरकार खर्चा कर रही है वो क्यों नीचे 3 गुना पैसा ज़्यादा खर्च करेंगे सर? इसको भी कई साल हो गए ना इस बात को चले हुए कि जो है रोड नीचे से निकलेगा या ऊपर से निकलेगा, लेकिन जो आम जनता है वो इस बीच में पीस रही है सर,
आज तक जो है जोगिंदरनगर में इतना बड़ा रोड नहीं बन पाया है, आप भी काफ़ी साल से देख रहे हैं जैसे, लेकिन ये कुछ कमी है हमारी जनता की है या कुछ ना कुछ इसमें कमी है, क्योंकि आज तक जो है सारे में जो है 4 लेन रोड जो हैं धड़ल्ले से बन रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, इवन हिमाचल में भी, लेकिन यहाँ जोगिंदरनगर और मंडी के बीच में कांगड़ा से आगे जोगिंदरनगर जो है बीच में ऐसे ही धरा का धरा रह जाता है सर, तो इसके लिए जितना जल्दी हो सके तो इसके क्या प्रयास रहेंगे सर आपके? बहुत बढ़िया, देखो ये है, ये जितने रोड आप जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने और माननीय हमारे गडकरी जी बहुत एक्टिव मंत्री हैं, जब से उनके पास PWD डिपार्टमेंट आया, मैं देख रहा हूँ कि भारतवर्ष का नक्शा ही चेंज हो गया है। आप पहले से नहीं इतने बने हैं, अब बने जो 64 जो मैंने देखा था वो हिमाचल में ही है तकरीबन है। लेकिन एक बात है कि देरी हुई होगी, आपको पता होना चाहिए, पीछे दो ढाई साल तो कोरोना में चले गए, नहीं तो अभी तक हो जाना था। और कुछ जब अड़चने पड़ जाती है, यहाँ सबसे मेन प्रॉब्लम ये हो गई, जब से वो कोट रूपी का जो इंसिडेंट हुआ, हादसा हुआ, उससे थोड़ा उनको दोबारा वो मजबूर हो गए सर्वे करने में। तो जब इन्होंने सर्वे किया तो क्या कहते हैं कि ये स्लाइडिंग जोन में, उसमें स्टडी चली दोबारा कैसे उसको जो लैंड को कैसे रिक्वायरमेंट किया जाए, वो सारा सोच उनके पास थी। लेकिन मेरी अपनी जनता से रिक्वेस्ट है कि हम इस चौक को बड़ी गंभीरता से समझेंगे, ऐसा नहीं कि हमने ये रोड बन रहा है इसको फिर रोक दिए, क्योंकि केंद्र के रोड हैं, स्टेट के तो है ही नहीं, वो बोलेंगे तो रहने दो, हट गए पीछे, फिर क्या करेंगे हम लोग। हम सब चाहेंगे और जनता भी चाहेगी कि जितना जल्दी ये रोड बन सके और ये नीचे पुल का काम शुरू हो जाए तो काफ़ी रिलीफ मिलेगा जोगिंदरनगर की जनता को। और सर अंत में मैं आपसे, मुख्यमंत्री ने हाँ की है, ये पुल जो है ना हमारा कंकर का, इसको हाँ की है, कुछ टेम्परेरी इसको कर रहे हैं, क्योंकि इसमें समस्या एक आ रही है, उसको दूसरा जो एक टेम्परेरी पुल बन रहा है, नहीं बनेगा, बस एबल होगा वो जी हाँ, कुछ टेम्परेरी ही फिलहाल बना दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्ट बनने वाला है उसको भी मध्य में रखते हुए उसको देख रहे हैं। प्रोजेक्ट जो एक बार काम लग पड़ा तो उसका जो फंड होगा उसी से पुल बन जाएगा, लेकिन कितना ऊपर नीचे करना भी उसको देख रहे हैं। चलिए आशा है कि आप जो हैं टाइम टू टाइम जो है विधानसभा में भी ये क्वेश्चन पुट अप करेंगे इन सब समस्याओं के बारे में, जितना जल्दी हो सके ये पुल बन के तैयार हो और ये सड़क का भी कार्य पूर्ण रूप से हो जाए। और सबसे एक बात और मैं क्या देना चाहता हूँ, मुझे याद आ गई कि ये जो 5G केबल जो बिछ रहा था हमारी कंस्टिट्यूंसी में बहुत पीछा और इसने बड़ा नुकसान किया लड़ लाके में, तो मैंने इसकी एक क्वेश्चन लगाया था विधानसभा में कि भाई ये जो आपने क्या किया, इन्होंने 6 फुट गहरा खोदा और 3 फुट चौड़ा केबल तो बिछा दिया, जैसे बरसात आई सारे रोड उतर गए, जो एक ड्रेन था नालियाँ थी सारी तोड़ दी, क्योंकि बचाया है वो उसके नालियों की साइड से है। उसके लिए कंपनियों ने इन्हें दे दिया 9 करोड़ से ज़्यादा पैसा, किसने दिया, ये जो वाईफाई और टेलीकॉम वाली कंपनी थी, इन्होंने हमारे जूनर को PWD को 9.5 करोड़ दिया। तो मैंने क्वेश्चन लगाया भाई ये पैसा कहाँ गया, 2 महीना पहले तो इन्होंने बताया भाई 1 ही करोड़ खर्च किया है हमने, अब पता चला जब अभी लगाया 2-2.5 महीने के बाद विधानसभा लगी तो बोलते वो हमने 8.5 करोड़ ही खर्च कर दिया, ना कहीं पे ना ड्रेन बनाई ना कहीं, वो पैसा कहाँ गया। इसकी आगे आने वाले समय में इसकी RTI आएगी। और एक क्वेश्चन जी, एक बात मेरे भी जहन में आई, जैसे कि आप तो चलिए गांव की बात कर रहे हैं, लड़ भड़ोल की बात कर रहे हैं, यहाँ मेन बाज़ार जोगिंदरनगर में ही एक ट्रेंचिंग की गई थी, वहाँ पे खोदी गई है अभी तक, जो नीचे की तरफ सरका घाट रोड जाता है, लेकिन उसको जो है अभी तक ऐसा ही छोड़ा गया, उसको पक्का नहीं किया गया। जब बारिश होती है तो काफ़ी कठिनाई होती है, स्कूटर बाइक वाले जो हैं वो उसके बचने के लिए साइड में जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का कारण हो सकते हैं। छोटी बात है लेकिन काफ़ी एक इम्पोर्टेंस रखती है अपने आप में। वो आप तो वही देख रहे हैं भाई, वो जो खोदी है 6 फुट गहरी है चौड़ी है, उसमें जो पानी भर रहा है बरसात में, वो कहीं लोगों के घर निकल रहा है दूसरी जगह जाके, कहीं रोड बैठ जा रहे हैं, सारे रोड इसी की वजह से बैठ। अब जो है अब अंतिम में हम आपसे ये कहेंगे कि पूरे क्षेत्र की जनता के लिए जो है भाजपा और जो है आप यहाँ के विधायक हैं, आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? मैं अपने क्षेत्र की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि इलेक्शन की शुरुआत हो गई, मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है, मैं रात दिन जिस तरह से इनकी सेवा के लिए लगा हूँ, आज एक ऐसा माहौल बना पूरे क्षेत्र में, प्रकाश राणा ने, मैं सबके आगे झुकता हूँ, चाहे हमारी माता है, बहन है, महिला मंडल है, कोई भी है, किसी के साथ भी हमने बदले की भावना से काम नहीं किया है और इस चीज़ को जनता भी समझ रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जो हमारा भारतवर्ष की स्थिति
आर्थिक स्थिति जो 10वें 12वें नंबर में था, आज भारत और दुनिया के 5वें नंबर में है। और दोबारा जो प्रधानमंत्री बनने मोदी जी जा रहे हैं, उसके लिए हम सब जो चुनाव है, मैं अपने क्षेत्र की जनता से इतना ही चाहता हूँ कि हमें ये जो है 15-20 दिन का जो टाइम है, आप सब हमें दे दें। हम जनता के बीच में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, घर घर जाके हम वोट मांगेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए इनको 400 का जो एक ये रखा है लक्ष्य जो है 400 पार करेंगे, और उसके लिए हम रात दिन अब मेहनत करेंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। जनता से मेरी अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि जनता इस चीज़ को सोचे और प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए सिर्फ ये 15-20 दिन अपने हमारे साथ दे दें जी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आने वाले समय इलेक्शन के लिए भी आपको जो है ऑल द बेस्ट जो है। मैं आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये आपके माध्यम से ही है कि हमारे लिंक बने, हमारी आवाज़ जनता तक पहुँचती है, जनता की आवाज़ आपके माध्यम से हमारे तक पहुँचती है। और ये जो खबर खास है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है, एक साफ सुथरा, और मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरह कार्य करते रहे। आप सबका भी धन्यवाद, आप भी एक सेवा का माध्यम है, लोगों की सेवा आपके द्वारा भी हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। योगिंद्रनगर लद्रोही क्षेत्र से राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट, खबर खास टीम के लिए।